हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो हमारी ऑप्शन वाली सीरीज़ चल रही है, इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं एजेस वाला। प्योरली हम इसमें ऑप्शन की मदद से करेंगे क्वेश्चन। आप देखेंगे कि तरीका कितना अच्छा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें अगर आप देखें तो 7 साल पहले रेशियो ऑफ ए और बी है 4:5, और 8 साल बाद ए और बी का रेशियो आया 9:10, और आपसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। मतलब जो ये आपके चार ऑप्शंस हैं, इसमें आपको क्या दिया गया है, सम ऑफ ए एंड बी, जो कि उनकी प्रेजेंट एज का सम है। ठीक है, अब जो हमारी पहली कंडीशन है वो ये है कि 7 साल पहले रेशियो ऑफ ए एंड बी वाज 4:5। अब अगर ए और बी का हम 7 साल का पहले निकालेंगे, तो सिर्फ ए का तो नहीं निकालेंगे, बी का भी निकालेंगे, तो नेट जो हमारे पास डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो नेट डिफरेंस आएगा आपके पास -14। अब जैसे ही आप उसमें -14 करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो रेशियो है वो है 4:5। मतलब -14 करने के बाद जो नंबर होगा वो आपका डिविजिबल होना चाहिए 9 से। ठीक है, ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब जो दूसरी कंडीशन है कि 8 ईयर हैंस, मतलब 8 साल बाद जो उनका रेशियो होगा ए और बी का, वो होगा 9:10। अब 8 साल बाद होना है ए और बी का, तो नेट जो इंक्रीज़ होगा वो हो ए और बी का, तो 8 × 2 हो जाएगा आपका 16। तो 8 साल बाद, मतलब जो 16 ईयर्स बाद जो इंक्रीज़ होगा वो होना चाहिए नंबर डिविजिबल आपका 9:10, मतलब 19 से। अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास ये दोनों कंडीशंस हैं, हम इजीली पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखें कि माइनस का 14 करेंगे तो कौन सा नंबर ऐसा है जो आपका 9 से डिविजिबल होगा। 41 - 14 होता है 27, 27 9 से डिविजिबल है, येस। 82 - 14 होता है आपका 72, 68 9 से डिविजिबल है, नहीं। 32 - 14 होता है आपका 80 9 से डिविजिबल है, येस। 56 - 14 42 9 से डिविजिबल नहीं। अब इस तरीके से हमने हमारे दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए, अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है ए और सी। अब हमारे पास ये पहली वाली कंडीशन हमने फुलफ़िल कर दी। अब हम जाते हैं सेकंड कंडीशन पे कि आप उसमें प्लस का 16 करेंगे तो जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 19 से डिविजिबल। ठीक है, और 41 + 16 करा तो क्या आया आपके पास, 57 19 से डिविजिबल होता है, येस। तो जो आपके पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस तरीके से हमने कितनी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अदरवाइज़ आप क्या करते, पूरी इक्वेशंस बनाते, ए और बी की एज मानते, ठीक है, तो फिर आपने मानी ए और बी की एज, फिर उसमें जैसे ए और बी की आपने मानी ये प्रेजेंट एज, फिर उसमें आप -7 करते, फिर -7 करते, फिर यहाँ पे लिखते 4/5, फिर यहाँ से कुछ इक्वेशन बनती आपकी, फिर उसमें प्लस का 8 करते दोनों में, फिर आप पहुँचते कि ए और बी की यूनिटी अपॉन 9:10। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना काफ़ी हेक्टिक हो जाता आपके लिए, लेकिन मैंने आपको कितनी एक ईजी चीज़ बताई कि आपने नेट जो है डिफरेंस वो निकाल लिया। नेट डिफरेंस आपने निकाला 7 ईयर्स अगो, तो ये हुआ आपका -14। रेशियो क्या है, 4:5, मतलब नंबर होना चाहिए 9 से डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 8 ईयर्स हैं, मतलब प्लस का 16, क्योंकि दो लोग हैं, अगर तीन लोग होते तो प्लस का 24 हो जाता, तो ये डिविजिबल होना चाहिए 9 और 10, मतलब 19 से। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।